किस्म के लिए नहीं था, इस गलत फहमी में ना रहे। स्मृति नारायण जी का उम्र हो चला है, हरे नाम भजे वो, कोई जरूरत नहीं था हवा में उठ के किच कैच करने का। आंख भी मारे थे तो आंख किसको मारे थे? जब इनके सांसद जो है वो महिलाओं की छाती पे हाथ रखते हैं तब इन्हें अपमान नहीं महसूस होता है क्या? महिला खिलाड़ी पे बृजभूषण ने किस तरीके से, क्या आरोप थे उस पे? कोई छुपा छुपी बात है क्या भाई? झूठ और फरेब बोलने से तो इन लोग को बाज आते नहीं है, कलाकारी एकदम करते हैं। इनके प्रधानमंत्री देखे ना, हुर हुर करके रोने लगते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, संसद में जिस तरह से हंगामा हो रहा है राहुल गांधी को लेकर कि वो आंख मार रहे हैं, फ्लाइंग किस दे रहे हैं, उस पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध कर जता रही है बीजेपी की महिलाएं, और यहां तक कह रही है कि पता नहीं कैसी वो महिलाएं हैं कांग्रेस में जो हैं वो महिलाएं हैं कि भाई आवाज़ ही नहीं उठा रही हैं। आरजेडी की प्रवक्ता सारिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। सारिका भाई, आप लोग भी अब विपक्ष दल सभी लोग एक साथ जुड़ गए हैं, भाई आप लोग पे भी सवाल उठ रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी ने सदन में जो फ्लाइंग किस दिया वो स्मृति ईरानी जी के लिए तो नहीं था। ना जाने क्यों स्मृति ईरानी जी ने बीच में उठकर उसे कैच कर लिया और वो फसाना बना रही हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी कैच कर ली बीच में आके? बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी देश के जाने माने चेहरे हैं और मुझे लगता है कि बॉलीवुड से भी और हॉलीवुड से भी उनको प्रपोजल आ रहे हैं, तो उनका दिन इतना ख़राब तो नहीं है कि वो स्मृति ईरानी जी को फ्लाइंग किस देंगे। देखिए, नफ़रत की दुकान जो चलाते हैं उन्हें प्यार के जो कहते हैं ना व्यवहार भी नफरती लगता है। मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जैसी तमाम बीजेपी की महिलाओं से, जब इनके सांसद जो है वो महिलाओं की छाती पर हाथ रखते हैं तब इन्हें अपमान नहीं महसूस होता है क्या? जब मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाते हैं तब इन्हें अपमान महसूस नहीं होता है क्या? अरे कौन है वो बीजेपी के नेताओं से? आपको नहीं पता है कि महिला खिलाड़ी पे बृजभूषण ने किस तरीके से, क्या आरोप थे उस पे? कोई छुपा छुपी बात है क्या भाई? वो तो FIR में दर्ज है, तब इन लोगों को नहीं शर्म आती है? और उनके साथ बैठ के आप गलबलियाँ कर रही हैं और आप शर्म की बात कर रही हैं? अरे भाई, राहुल गांधी जी ने तो अपने चाहने वाले को फ्लाइंग किस भेजा, वो स्मृति ईरानी जी के लिए नहीं था। वो ये सपना ना देखे, ये गल्फत में ना रहे। अच्छा, आप कह रही है कि मतलब इतना दिन गिर गया है कि स्मृति ईरानी को ये फ्लाइंग किस भेजेंगे, वो कैच कर रही हैं? बात का बताना फसाना बना रही हैं और कोई बात नहीं, वो खुद को हाईलाइटेड करने के लिए किसी भी स्तर पे जा सकती हैं। सीरियल में काम कर चुकी हैं, आप दिन गिरना की बात कर रहे हैं भाई? उनसे ज़्यादा अभिनेता कोई हो नहीं सकता है बीजेपी में। तो खैर, जो कहते हैं ना कि नेता अभिनेता भरे पड़े हुए हैं, इन लोगों को झूठ और फरेब बोलने से तो इन लोग को बाज आते नहीं हैं, कलाकारी एकदम करते हैं। इनके प्रधानमंत्री देखे ना, हुर हुर करके रोने लगते हैं, कोई प्रश्न पूछिए। इनके जो सांसद लोग हैं ये झूठा मोटा अलगे तमाशा लेके बैठे हुए हैं, तो बीजेपी का यही चेहरा है। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग को भी, मतलब महिलाओं को, ये इन महिलाओं को क्या शर्म नहीं आ रहा है कि ये लोग भाई आवाज़ नहीं उठा रही हैं? भाई उनको शर्म आना चाहिए, हाँ शर्म उनको चाहिए। और वो किस्म के लिए नहीं था, इस गलत फहमी में ना रहे। स्मृति ईरानी जी का उम्र हो चला है, हरे नाम भजे वो, किसके लिए किस? राहुल गांधी ने अपने चाहने वालों के लिए वो किस दिया था। अच्छा। उसमें मैं फिर बोल रही हूँ, स्मृति ईरानी जी का कोई जरूरत नहीं था हवा में उठ के किच कैच करने का। आंख भी मारे थे तो आंख किसको मारे थे? अब मुझे नहीं पता आंख किसको मारा था उन्होंने। आप बोल रही है ना कि भाई उसमें आंख मार के इशारा भी किया गया? नहीं नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं है। मुझे तो सदन के कई ऐसे दृश्य होते हैं जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों के द्वारा दिखाए जाते हैं, जो शर्मसार करने वाले होते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी कि नफ़रत की दुकान खोलने वाले लोग जो है ना, मोहब्बत पे बात ना करें वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नफ़रत की दुकान खोलने वाले मोहब्बत की बात ना करें, और इन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जी का इतना दिन नहीं गिर गया है कि स्मृति ईरानी को वो किस, फ्लाइंग किस दें। और ये भी कहा कि भाई बीच में उन्हें आने के लिए कौन कहा था, वो अपने चाहने वालों को फ्लाइंग किस भेज रहे थे तो ये इन्हें कैच करने के लिए कौन कहा था। चलिए, ऐसी तमाम बातें के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।